मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और घर पर स्वस्थ होंगे। मेरा नाम श्रुति पटेल है और मैं कैपिटल मॉडर्न स्कूल की अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज हम पांचवी कक्षा का गणित का जादू विषय का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। तो दूसरे पाठ का नाम क्या है? आकृति और कोणों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे आपकी गणित का जादू पुस्तक निकालेंगे और पेज नंबर 16 निकालेंगे। तो पेज नंबर 16 पे आपको जो है कुछ कहानी दी गई है, वो हम देखते हैं। तो रोहिणी और मोहिनी जुड़वा बने हैं। उन्हें एक ही काम करने में बहुत मजा आता है। एक दिन जब वे माचिस की तीलियों से आकृति बना रही थी, शैला ने उन्हें एक चुनौती दे दी। तो रोहिणी और मोहिनी भी कौन है? जुड़वा बहन है। और उन्हें आप सभी को पता है, अगर आपके रिश्तेदार में कोई जुड़वा बहने होंगी या जुड़वा बच्चे होंगे आपके चाचा चाची के या मामा मामी के घर पे, तो आप देखोगे कि वो दोनों बच्चों को जो है सभी चीज़ें एक साथ करना ही मजा आता है। एक साथ ही वो चीज़ें करते हैं, एक जैसे कपड़े पहनते हैं, सारी चीज़ें उनको एक जैसे करना पसंद रहता है। तो रोहिणी एक आकृति बनाएगी और मोहिनी आकृति बिना देखे हुए बनाएगी, मगर एक सवाल वह सवाल पूछ सकती है। तो यहाँ पे शैला नाम की एक लड़की है, उन्होंने रोहिणी और मोहिनी को चुनौती दी कि तुम दोनों को याद करोगे कि आकृति बनाओगे और बिना देखे, देखते हैं कि आप सही आकृति बनाते हो कि नहीं। तो वो एक लड़की क्या कह रही है? यह तो बहुत ही आसान है। तो दोनों लड़कियां क्या कर रही है? माचिस की तीलियों से अलग अलग आकृतियां बना रही है। तो रोहिणी ने यहाँ आकृति बनाई। तो आप चित्र में देख सकते हो कि ये वाली आकृति किसने बनाई है? रोहिणी ने आकृति। तो मोहिनी ने क्या पूछा, आकृति बंद है या खुली है? तो रोहिणी ने क्या आंसर दिया, जवाब दिया, आकृति बंद है, क्योंकि उसकी आकृति चारों तरफ साइड से बंद है। फिर मोहिनी ने वापस प्रश्न पूछा, इसकी कितनी भुजाएं हैं? तो रोहिणी ने क्या कहा, इसकी 6 भुजाएं हैं। तो मोहिनी ने यहाँ आकृति बनाई। तो दोनों ने अंदाजे से आकृति बनाई। दोनों की आकृति में क्या अंतर है? तो यहाँ पे उनकी आकृतियों का आकार अलग अलग है, लेकिन ये दोनों आकृति में 1, 2, 3, 4, 5, 6 भुजाएं हैं। और समानता क्या है इसमें? दोनों आकृति की 6 भुजाएं हैं और दोनों ही बंद आकृतियां हैं। अब तुम जवाब दो, क्या यह बंद आकृति है? तो क्या कहा, हाँ, क्या उसकी 6 भुजाएं हैं? हाँ, लेकिन यहाँ आकृति रोहिणी ने जो बनाई थी उसके जैसी नहीं थी, इसलिए मोहिनी ने फिर से कुछ कोशिश की और उसने कुछ ऐसी आकृति बनाई। तो ये आकृति भी आप देख सकते हो कि ये आकृति भी बंद आकृति है और उसकी कितनी भुजाएं हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। क्या यह आकृति 6 भुजाओं वाली बंद आकृति है? तो वापस उत्तर दिया, हाँ। क्या यह आकृति रोहिणी ने जो आकृति बनाई थी उसके जैसी है? तो नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि तीनों आकृतियां अलग अलग बनाई गई है। क्या तुम किसी तरीके से यह बता सकते हो कि आकृतियां एक दूसरे से कैसे अलग है? तो आकृतियां एक दूसरे से आकारों में अलग है, उनके आकार जो है वो अलग अलग है। मोहिनी ने फिर से कोशिश की, लेकिन उनकी आकृतियां अलग थी। अंदाजे से 2 और आकृतियां बनाओ और जो मोहिनी ने शायद बनाई होगी। मोहिनी कोशिश करके थक गई और उसने शैला से पूछा कि वह क्या करे। तो वापस मोहिनी जो है वो कोशिश की, लेकिन रोहिणी जैसे आकृति नहीं बना पाई, तो इसलिए वह थक गई और उसने शैला से पूछा कि अब वो क्या करे। तो शैला ने क्या कहा, अगर तुम तीलियों पर द्वारा कोणों पर बनाए गए कोणों के बारे में पूछो तो तुम वैसे ही आकृति बना पाओगी। ओ, तो चलो अब हम कोणों को देखें। इन आकृतियों में दिखाए गए कोणों को देखो और उनमें क्या अंतर देख पा रहे हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आकृति है जिसके लिए कोण है। यहाँ पे जो कोने पे 2 जोड़ों को मिलाते हैं उसको क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हो कि ये सारे आकृतियों के कोण है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये आकृति में भी आपको ये कोण नजर आ रही है। तो देखो, माचिस की तीलियों एक छोटा कोण, एक बड़ा कोण और उससे भी बड़ा कोण बना रही है। तो आप देख सकते हो कि ये कैसा कोण बन रहा है, फिर उससे थोड़ा बड़ा कोण बन रहा है, फिर उससे भी बड़ा कोण ये आकृतियां बना पा रही है। अरे वाह, कोण बदलने से आकृति भी बदल जाती है।
सबसे अधिक बड़ा कौन है? क्या पीले रंग से दिखाई गया कौन बराबर है? तो हाँ, आप आकृति में देख सकते हो कि पीले रंग में जो कौन बनाए गए हैं वो क्या है? बराबर है। क्या हरे रंग में दिखाए गए कौन सब बराबर है? तो हाँ, हरे रंग में भी दिखाए गए कौन बराबर है। क्या नीले रंग में दिखाए गए कौन बराबर है? तो इसमें भी आएगा हाँ। तो आप ये चित्र में देख सकते हो नीचे हरे पीले और नीले रंग से बनाए गए हैं कौन। अब चार अलग अलग कौन चार अलग अलग रंगों में दिखाए गए हैं। क्या तुम लाल रंग में दिखाए गए कौन के बराबर दूसरे कौन ढूंढ सकते हो? उन पर लाल रंग का निशान लगाओ और दूसरे रंगों के लिए भी ऐसा ही करो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहली आकृति में ये वाला कौन, दूसरी आकृति में ये वाला कौन, तीसरी आकृति में ये वाला कौन, चौथी आकृति में ये और आखिरी आकृति में ये वाला कौन जो है वो समान कौन आएगा। ठीक है, अब अगला इनमें से हर एक आकृति को कौन बदल कर देखो तुम कितनी और नई आकृतियां बना सकते हो, कोशिश करो। तो यहाँ पे आपको अलग अलग आकृतियां दी गई है। तो पहली चार माचिस की तीलियों से बनी है, दूसरी आठ माचिस की तीलियों से बनी है, तीसरी पांच माचिस से बनी है, फिर छठी चौथी जो है सात माचिस से और पांचवी दस माचिस से बनाई गई है। तो उसमें से कोणों को देख के आपको अलग अलग आकृतियां बनानी है। अब तीलियों की पहली छह माचिस की तीलियों से आठ त्रिभुज बनाओ, कोशिश करो। तो आपको क्या करना है, छह माचिस की तीलियों से आठ त्रिभुज बनाने हैं। आठ माचिस की तीलियों से दी गई मछली बनाओ। अब माचिस की इन्हीं तीन तीलियों को हटाकर इस तरह रखो कि मछली उल्टी दिशा में तैरती नजर आए। अब आपको ये खेल जो है आपको अपनी घर पे जो माचिस की तीलियां होगी उसके साथ करना रहेगा। ठीक है बच्चों, अब अगला पन्ना कौन जाचक। तो हम एक जैसे कौन कैसे बनाते हैं? तो चलो हम एक कौन जाचक बनाते हैं। तुम्हारे ज्योमेट्री बॉक्स में भी ऐसा कौन जाचक होगा जिसे डिवाइडर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिवाइडर। डिवाइडर सबने देखा है ना आपके ज्योमेट्री बॉक्स में। गत्ते के एक टुकड़े पर दो लंबी पट्टियां काटो, उन्हें ड्राइंग पिन की मदद से इस तरह जोड़ो कि दोनों किनारे आसानी से घुमा सके। तो आप चित्र में दिखाया गया है वैसे गत्ते के दो पट्टिया के टुकड़े लेने हैं और उसको पिन से जॉइंट कर देना है। अब रोहिणी और मोहिनी कौन जाचक को लेकर कक्षा की सभी चीजों को अलग अलग कौन जांचने लगी। रोहिणी के गणित की किताब और पेंसिल बॉक्स के कोणों को जांचा। कौन जाचक को देखो, यह अंग्रेजी का एल की तरह खुल रहा है। कैसे खुल रहा है? वो अंग्रेजी का अक्षर एल की तरह खुल रहा है। यह एक समकोण है, हमें इसके लिए एल लिखते हैं। क्या है ये? समकोण है। कैसा कोण है ये? समकोण है। अपने कोण जाचक के साथ आसपास जाकर उन चीजों का चित्र बनाओ जहां कोण जाचक अक्षर एल की तरह खुलता हो। क्या तुम पक्का यहां कर सकते हो कि यह समकोण है? तो आप यहां पे देख सकते हो कि ये खिड़की है। ठीक है, तो यहां पे ये देखो ये एल शेप बन रहा है। तो ये क्या हो गया? कौन जाचक से आप जांच करोगे तो ये समकोण हो गया। ठीक है, अब अभ्यास का समय। नीचे दिए गए चित्र को देखो और तालिकाओं करो। अब कौन? तो पहला है समकोण है तो नहीं, ये समकोण से कम है। अब दूसरा, तो दूसरा का समकोण से ज्यादा है। ऐसे करके आप देख सकते हो तो ये समकोण है। फिर तीसरा, तीसरा जो है वो भी समकोण है। फिर चौथा, चौथा समकोण से ज्यादा है और पांचवा जो है वो समकोण से कम है। ठीक है, अब अगला पेज। सुखमल ने इतने सारे कोणों के साथ चित्र बनाया। तो यहाँ पे आप चित्र देख सकते हो, चित्र में जो है सुखमल है और उन्होंने अलग अलग कोणों से चित्र बनाए हैं वो हमें देखना है। अब रंगीन पेंसिल से चित्र का निशाना लगाओ। समकोण में आपको काले रंग का, समकोण मतलब ये वाला कोण बन रहा है, वहां पे काले रंग का निशान लगाओगे। वे कोण जो समकोण से ज्यादा है वहां हरे रंग का। फिर समकोण से ज्यादा वाले कोण पे आप क्या करोगे? हरे रंग का निशान लगाओगे और समकोण से कम वाले में आप नीले रंग का निशान लगाओगे। ठीक है, अब नीचे दिए गए कोणों के आसपास अपनी मर्जी से चित्र बनाओ और कोण के प्रकार भी लिखो। तो पहला देखो, मगरमच्छ बनाया गया
कैसे बना सकते हो। फिर चौथा जो है वो समकोण से ज्यादा है तो इसमें आप ऐसे बॉक्स बना सकते हो। पांचवा जो है वो समकोण से कम है तो ऐसे आप कोई मुंह बना सकते हो, ठीक है। फिर छठा जो है वो भी समकोण से कम है तो इसमें आप मछली का शेप भी बना सकते हो, ठीक है बच्चों। समझ आया कोणों के बारे में। अब गतिविधि, अब गतिविधि में क्या करना है, एक वर्गाकार कागज लेना है, उसे आधा मोड़ देना है, उसे फिर एक बार मोड़ देना है, आखिरी कोण को खोलो और कागज आधा मोड़ो, इसके कोनों पे लाइन वाली बिंदु लाइन तक मोड़ो, तुम्हें कागज पर ऐसी रेखाएं मिलेगी जो समकोण कोण जो समकोण से कम और समकोण से ज्यादा मत लीजिए। हर एक कोण को ढूंढो और उन पर अलग अलग रंगों से निशान लगाओ, ठीक है। अब ये गतिविधि आपको घर पे करनी है, आपको एक कागज लेना है, फिर उसको मोड़ देना है, मोड़ के फिर वापस उसको एक बार और मोड़ना है, फिर उसको खोलना है और उसके आकारों को देखना है। तो कुछ आकार हमें समकोण दिखेंगे, कुछ आकार समकोण से ज्यादा दिखेंगे और कुछ आकार जो है आपको समकोण से कम भी दिखेंगे, ठीक है। अब गतिविधि शरीर के कोणों के साथ करो, क्या तुम ये कोण बना सकते हो, अपने हाथ से समकोण बनाओ। तो आपको अपना हाथ दो और फिर ऐसे कोण बनाओगे तो ये समकोण बन जाएगा। अपने पैर से भी समकोण बनाओ, कैसे बन, अपने पैरों से समकोण से कम कोण बनाना है, मतलब आप बना सकते हो दो पैरों को थोड़ा ऐसे खोलोगे तो वो क्या बन जाएगा, समकोण से आधा कोण बन जाएगा, ठीक है। फिर ज्यादा कोण मतलब अपने पैरों को और फैला सकते हो, हाथों को भी और ऐसे फैला सकते हो तो ये समकोण से ज्यादा कोण बन जाएगा। अब शरीर में समकोण से ज्यादा कोण, तो शरीर को भी ऐसे मोड़ो कि वो समकोण से ज्यादा कोण दिखे, कोशिश करके देखो, बहुत मजा आएगा। तुम स्ट्रिक ड्राइंग की मदद से भी इन्हें कॉपी में बना सकते हो। अब अगला कोण बगीचा, मेरा कोण वाला नाच रास्ता दिखाता है। तो जब मैं शहर बनाने के लिए फूल देखती हूँ तो दूसरी मधुमक्खियों को बताना चाहती हूँ, उन्हें रास्ता देखने के लिए मैं नाचना शुरू कर देती हूँ और मेरा यह नाच सूर्य और फूलों के बीच का कोण दिखाता है। तो यहाँ आप चित्र में देख सकते हो एक मधुमक्खी क्या कह रही है कि मैं नाच वाला कोण, कोण वाला नाच बनाती हूँ कि सूर्य और मधुमक्खी की दिशाओं को दर्शाने के लिए वो वहाँ पे क्या करती है, डांस करती है, नाचती है। तो यहाँ पे आप ये कोण देख सकते हो। अब आपको क्या करना है, गतिविधि में बगीचे में से कुछ पत्तियां इकट्ठी करो, उन पत्तियों पर रंग लगाकर उनके छापे लगाओ। अब पत्तियों के कोणों को देखो, पता लगाओ कि कौन से कोण समकोण से कम और कौन से कोण समकोण से ज्यादा है। तो आपको क्या करना है, आपकी नोटबुक में पत्तियां लिखनी है और पत्तियों की छाप लगानी है और छाप इस तरह लगानी है कि समकोण से कम और समकोण से ज्यादा आपको दिखे, ठीक है। अब मैं एक कट फोड़वा हूँ, मेरी चोंच बहुत तेज है क्योंकि उसे लकड़ी को काटना होता है। और अरे इस चिड़िया को देखो, उसकी चोंच में एक कोण है और जो है समकोण है। तो यहाँ पे समकोण से कम है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि चिड़िया ने इतनी चोंच खुली है तो ये क्या है, समकोण से कम कोण है, ठीक है। अब इन चिड़िया को ढूंढो जिनकी चोंच के कोण छोटे हैं। तो आपको क्या करना है, ये चित्र में चिड़ियाओं को देखना है जिसकी चोंच जो है वो समकोण से कम है, ठीक है। अब चित्रों को दो शाखाओं के बीच में कोणों को निशाना लगाओ और इन दो शाखाओं के बीच के कोण सबसे बड़े हैं वो लिखो। तो आपको क्या करना है, ये चित्र में जो है देखना है और शाखाएं दी गई है, शाखाएं मतलब पेड़ की टहनियां, जो शाखाएं दी गई है वो शाखाओं में कौन कौन से है वो आपको लिखने हैं, कौन समकोण से ज्यादा है और कौन सा समकोण से कम है वो आपको लिखना है, ठीक है बच्चों। तो आपको यहाँ तक समझ में आया।